हेलो फ्रेंड्स, एस के फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, तो डबल रील के साथ मैं डिज़ाइनिंग करना आपको बताऊंगी। और बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन आज हम बाजू का बनाने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाजू की मैंने देखो कटिंग कर ली है, तो इसका आगे वाली साइड पर हम मोरी पर ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ना डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। नीचे वाली साइड मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है, तो 1.5 इंच का निशान लगा के, 1.5 इंच के सारे मैंने ये निशान लगाए हैं और ये लाइंस जो है मैंने ड्रॉ कर ली हैं। ये देखो 1.5 इंच का सारा लगा के और नीचे से भी 1.5 इंच करके, और नीचे वाली साइड देखो मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा आए। तो ये देखो मैंने ना एक रील में धागा रील ली है और एक मैंने बॉबिन में धागा भर लिया है, तो डबल धागा मैं लगाऊंगी यहाँ पे। आप अगर आपके पास एंकर का थ्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो बॉबिन में भर के, लेकिन मैंने रील पे रील के साथ ही बनाऊंगी। तो मैंने एक बॉबिन ली है और रील में रील का एक धागा लिया, तो डबल कर लिया है मैंने और डबल को ही सुई में पिरो लिया है। तो जो स्पूल पिन होती है उसके ऊपर मैंने एक बॉबिन रख ली और रील रख ली है, और डबल धागे से हम देखो ऐसे ही डिज़ाइनिंग पूरी ये कर लेंगे जो मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर आप एंकर का थ्रेड यूज़ करते हो तो आपने नीचे बॉबिन में भरना होता है, लेकिन ये जो सिंपल रील के साथ आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है तो आप डबल रील इसको लगा सकते हो, एक रील और एक बॉबिन में धागा भर के इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अब ऐसे ही दूसरी साइड को भी मैं इसके जो मैंने निशान लगाए हैं सारे पे पूरा डिज़ाइनिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइनिंग हमारी ये देखो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बाजू के ऊपर बाजू को लेंगे और जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसको उल्टा करके और बाजू पे इस पर इसको स्टिच कर देंगे। उल्टा करके मैंने इसको बाजू पे रखा और ये देखो बराबर करके हमने, तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है बनाना और देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपका कोई प्रिंट सूट, जैसे ये मैं बना रही हूँ प्रिंट के ऊपर, आगे प्लेन पे आप डिज़ाइनिंग करोगे ना बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो ऐसा ही डिज़ाइन आप दामन पे भी बना सकते हो, और अगर गले पे बनाना चाहते हो तो गले पे भी आप बना सकते हो। तो ये देखो एक पीस मैंने और लिया है जो कि मैं 2x2 का कट करूँगी, उसके नीचे भी मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अगर आपने फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन बनाना है ना तो आपने पेपर पेस्टिंग जो है नीचे वाली साइड को चिपका लेनी है। तो ये मैंने ना ये देखो 2x2 के मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं। अब ये देखो ऐसे हम इनको फोल्ड करेंगे, ऐसे भी इनको हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन हम तिरछा करेंगे ऐसे, और एक साइड को ऐसे। तो ये हमने ट्रायंगल बनाने हैं और ये देखो बराबर से रख के और जो बाजू की जो आगे मोरी है उस पर अटैच करते जाएंगे। ये देखो ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने दूसरी साइड को फोल्ड कर लिया। ये वाली ओपन वाली साइड मैं अपनी साइड रख रही हूँ, तो सारे जितने भी हमने ये ट्रायंगल बनाने हैं तो ओपन वाली साइड हमने अपनी साइड को रखनी है। अगर आप दूसरी साइड को रख रहे हो एक साइड को ही आपने रखना है। तो पूरे अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपने गैप का पूरा ध्यान रखना है, पूरा हमारे ये जो ट्रायंगल हम लगा रहे हैं ना पूरे बराबर से हमारे ये आने चाहिए ताकि हमारी बाजू की जो है फिनिशिंग अच्छी आए, लुक इसका अच्छा आए। तो ये देखिए हमारे जो है पूरा डिज़ाइन हमारा ये बन चुका है। अब हमने देखो क्या करना है आगे, इस पे पट्टी कैसे लगानी है। तो ये देखो एक पट्टी मैंने जो ली है ये काफ़ी मैंने चौड़ी ली है क्योंकि पीछे वाला जो है ना इसको मैं सारा कवर करूँगी। ये जो नीचे वाली साइड मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था ना पेपर पेस्टिंग आपको नज़र आ रही है, तो इसको मैं इसी कपड़े के साथ पूरा पलटा लूँगी ना और इसको कवर कर लूँगी। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, पहले मैं इसको स्टिच कर लूँगी जो मैंने ये वाला ऊपर वाला जो प्लेन वाला कपड़ा लगाया है, ये देखो एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है, तो एक सिलाई मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि फिनिशिंग आए इसकी, और जो मार्जिन है हमारा जो ये हमने ट्रायंगल लगाए हैं ना इनका जो मार्जिन है वो हम सिलाई के नीचे ऐसे देखो दबा देंगे।
तो ये सिलाई हमने एक लगा ली है। अब हमने इसको फोल्ड करना है। ये कपड़ा थोड़ा मैंने ना ज़्यादा रखा है, तो बाद में मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर फोल्ड करूँगी। ये देखो ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे ना, ये देखो, ताकि पीछे से भी हमारी जो है फिनिशिंग आए। ये देखो पीछे से पूरा मैं जो मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई है ना, इसको कवर कर लूँगी। अभी मैं कट कर लेती हूँ कपड़ा जो एक्स्ट्रा मैंने रखा है, ये देखो इसको मैं कवर करूँगी सारा। और ये बॉर्डर जो है हमारा, ये देखो ऐसे फोल्ड करके और पूरा मैं सिलाई लगा दूँगी इसको। तो ये पीछे से भी हमारी फिनिशिंग आ गई अच्छे से, और जो पेपर पेस्टिंग थी हमारी कवर हो गई। और ये बाजू जब हम बनाएंगे इसको स्टिच करेंगे ना, तो आगे से ऐसे फुली फुली रहेगी, थोड़ा खुली रखेंगे हम इसको बाजू को, पूरा टाइट फिटिंग वाली नहीं बनाऊंगी। आगे से मैं थोड़ी सी खुली रखूंगी और पीछे से इसकी फिटिंग वाली बनाऊंगी। तो मोरी जो है इसकी मैं थोड़ी सी लूज़ रखूंगी, ताकि ये देखने में और सुंदर लगे। अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर जो यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लगाए थे फिनिशिंग के लिए, एक सिलाई हमने यहाँ पे भी लगा देनी है। ये देखो अब हमारा ये पूरा फिनिशिंग के साथ देखो डिज़ाइन जो है बन गया है। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम, आप कोई स्टोन वगैरह या कुछ लगा सकते हो। तो मेरे पास ये देखो ऐसा वाला एक पड़ा है मटेरियल, ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। तो इसको आप सुई धागे के साथ भी लगा सकते हो ऊपर से। ये देखो इस पे टांके लग सकते हैं, क्योंकि होल है इसके ऊपर। एक मोती लगा के हम इसको, छोटा सा एक मोती होता है ना गोल्डन कलर का, वो लगा के इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका के ही दिखाने वाली हूँ। तो फैब्रिक ग्लू के साथ ही मैं चिपका लूँगी, ये देखो। और इस पे मोती लगा के बाद में मैं मोती लगा लूँगी इसके ऊपर और टांके लगा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल ना उतरे। तो ये सारे जितने भी हैं मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अभी चिपका लिए हैं, देखो। तो ये देखो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देखो आगे से इतना सा मैंने खुला रखा है इसको, खुला ऐसा ही मैं दामन पे भी इसका जो है डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप बताना फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन कैसा लगा, ये कैसी लगी मेरी ये डिज़ाइनिंग। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।